हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना सोइल का पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग सोइल के दो पार्ट देख चुके कि सोइल होते क्या हैं और टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि और भी टाइप्स होते हैं सोइल के, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में वो कवर अप करूँगा। बट मैं आपका सिलेबस से जब मैच किया एनसीईआरटी से, तो ये आपके वही चार सोइल आपको पढ़ने थे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल होते हैं, लैटराइट सॉइल होते हैं, रेड सॉइल होते हैं, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे एसएसटी में, ठीक है। तो इसलिए उसको ना कवर अप करते हुए साइंस से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में कि सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं वन बाई वन करके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो आते हैं नीचे अपने स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ जो स्लाइड में हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कि सोइल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है परकोलेशन रेट। अब यहाँ पे वर्ड उठता है, ये परकोलेशन रेट क्या होता है, ये परकोलेशन मतलब होता क्या है। जैसे एक बात बताते हैं आपको, अगर हम मिट्टी में कभी पानी डालते हैं, तो देखिएगा वो पानी पहले ऊपर में उसके सरफेस पे रहता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे चला जा करके वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब वाटर जो वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गया ना, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परकोलेशन। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि परकोलेशन का डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपीज में, ठीक है। देखो, तो परकोलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, परकोलेशन इज डिफाइंड एज द स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर। जनरली किसका मूवमेंट हो रहा है? स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दी पोर्स इन ए सॉइल आर कॉल्ड सॉइल परकोलेशन बोलिएगा इस तरीके से। मतलब परकोलेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि जब वाटर क्या होगा कि स्लोली क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। वाटर का स्लोली मूवमेंट होगा सोइल के में जो पोर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, जो जितने भी सोइल्स होते हैं ना, उसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो छेद के थ्रू क्या होगा, अगर वाटर एब्जॉर्ब होगा, मतलब कि नीचे चलते जाएगा, एब्जॉर्ब होते जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं, ठीक है, परकोलेशन। अगर ऊपर में अगर आप यहाँ पे ये लिखोगे, तो ये काट दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू करें ना, द स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स इन ए सॉइल आर कॉल्ड सॉइल परकोलेशन। अब देखो, हम लोग सॉइल परकोलेशन मेजर कैसे करते हैं। सोइल परकोलेशन मेजर करने का ये है, आपका ये फॉर्मूला है कि परकोलेशन रेट कैसे निकलता है। जितना अमाउंट ऑफ वाटर है, जैसे मान लीजिए हम एक मग या एक कप पानी डाल रहे हैं मिट्टी में, तो एक कप मान लीजिए वो 50 ml है, ठीक है, और वो 50 ml को क्या, कितना समय लगा, वो 50 ml का जो हम डालेंगे, देखेंगे मिट्टी में कितना देर में वो नीचे गया, तो उतना को क्या करेंगे, उससे हम डिवाइड करें, यानी कि अमाउंट ऑफ, मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ वाटर था 50 ml मेरा वाटर था, और बटा परकोलेशन टाइम कितना लग गया हमको, कितना लग गया आपका, टू मिनट से 20 मिनट्स। तो इस तरीके से हो जाएगा कि आपको इतना ml पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहा है, वो परकुलेट हो रहा है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि परकुलेशन रेट बराबर होता है अमाउंट ऑफ वाटर बटा परकुलेशन टाइम, ठीक है। अब देखिए, ये परकुलेशन रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है और कम किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है ये सैंडी सॉइल में, मतलब सैंडी सॉइल में वाटर सबसे तेज़ी से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है। और लीस्ट होता है हमारा क्लेई सॉइल में, किस में होता है, क्लेई सॉइल, ठीक है। क्लेई सॉइल में जो होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन सबसे फास्ट किस में होती है, हाईएस्ट किस में होती है, वो सैंडी सॉइल में, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया, सेकंड प्रॉपर्टीज मॉइस्चर। जो मॉइस्चर और एब्जॉर्प्शन की बात करें सॉइल के अंदर, कि उसमें मॉइस्चर नमी कितना होता है, एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर की बात करें या वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो ये क्या करता है, ये सारे सॉइल्स में अलग अलग होता है, मतलब हर सॉइल क्या करता है, वेरी करता है। जैसे कि अगर हम बताते हैं सारे बच्चे एक क्लास में होते हैं, तो सबका क्या, अगर सब इसका समझने का कैपेसिटी एक जैसा होता, तो सारे बच्चे रैंक वन आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे रैंक वन आते हैं, कुछ रैंक टू आते हैं, तो डिपेंडिंग अपन वो किस तरीके को चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके बाद उनका एनालिसिस करके उनको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे समान नहीं होते, उस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे जो फिंगर्स होते हैं हैंड में, वो सारे बराबर नहीं होते। तो उसी तरीके से जितने भी आपके सॉइल्स होते हैं ना, मिट्टी होते हैं, वो सबका परकोलेशन रेट, या हम बात करें सबका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, या वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होता है, वाटर को सोखने की क्षमता जिसको बोलते हैं, और साथ साथ जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है, सब में क्या होता है, अलग अलग
होता है। अब किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम, ये देख लो। यहाँ पे जो लोमी सॉइल की बात करें, देखो यहाँ पे लोमी सॉइल, ठीक है, या लोम सॉइल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक प्रिंट आउट है, ये आप सही कर लीजिएगा। इसमें मैक्सिमम क्या होता है आपका, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, मतलब वाटर होल्डिंग, जो वाटर को होल्ड करने का जो क्षमता होता है ना, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है आपका, लोमी सॉइल में। लेकिन जो सैंडी सॉइल में होता है उसमें क्या होता है, लीस्ट होता है। क्या होता है, मतलब वो वाटर को होल्ड नहीं करता है, इसको वाटर अगर डालेंगे तो तुरंत क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब पानी उसमें नीचे सेटल डाउन कर देगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन उसको होल्ड करके नहीं रखता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वाला चीज़ समझ में आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जी हाँ, दो ही प्रॉपर्टी बताया मैंने, एक परकुलेशन रेट बताया, दूसरा मैंने बताया मॉइस्चर, सॉइल के अंदर मॉइस्चर और उसका एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉइल एंड द क्रॉप्स, क्या लिख रहा है, सॉइल एंड द क्रॉप्स के बारे में। तो यहाँ पे समझेंगे कि कौन से सॉइल जो होते हैं या कौन से क्रॉप्स जो होते हैं किस तरीके के सॉइल में ग्रो करवाए जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे बात आती है सॉइल एंड क्रॉप्स की, तो आपको पता है कि जो अलग अलग टाइप ऑफ जो सॉइल होते हैं ना, हमारे देश में अगर हम बात करें, इंडिया में ही बात करें, इंडिया की बात करें अगर इस तरीके से, एक मिनट चल नहीं रहा ये, ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो होता है वो अलग अलग तरीके के सॉइल्स पूरे देश भर में पाया जाता है। ठीक है, तो कहीं पे क्या होता है कि क्लेई सॉइल होते हैं, कहीं पे लोमी सॉइल होते हैं, और कहीं पे सैंडी सॉइल होते हैं, और कहीं पे इस तरीके से अलग अलग सॉइल देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, ये जो सॉइल होते हैं ना, अगर यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहेंगे आपको, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉइल, सॉइल किस किस फैक्टर से, किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, तो याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको हेडिंग डाल दे रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल, अफेक्टिंग द सॉइल, सॉइल को किन किन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन करके मेंशन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एक है हमारा जो हम जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे पहला विंड, जिसमें सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन का मतलब भी आप लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा सॉइल इरोजन क्या होता है, कि द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो सॉइल का ऊपरी भाग अगर उड़ता है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉइल इरोजन। देखिएगा, जो डिफॉरेस्टेशन जो आज के डेट में हो रहा है, मतलब कि पेड़ का जो कटाई कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो पेड़ होते हैं ना, वो मिट्टी को जकड़ करके रखते हैं, तो इससे सॉइल इरोजन कम होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सेल्फ नीड्स के लिए, अपना सेल्फ पर्पस के लिए, अपना ग्रीडीनेस के लिए क्या कर रहे हैं, कि हम उसको पेड़ को काट रहे हैं, ठीक है। और पेड़ को काटने से आपको पता है कि कितना सारा नुकसान हो रहा है। तो ये भी अगर हम विंड सॉइल इरोजन की बात करें, तो वो भी एक फैक्टर है कि मतलब क्यों हो रहा है वो। तो यहाँ पे हमारा जो रीज़न है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसके वजह से जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ कर नहीं रख पा रहे, और सारा सॉइल जो क्या हो रहा है, हवा तेज चलने की वजह से या स्टॉर्म्स वगैरह आने की वजह से वो उड़ते चला जा रहा है। इसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर ये सॉइल इरोजन को ऐसे ही होते चला गया, तो अल्टीमेटली एक ऐसा भी दिन आएगा कि हमारा जो सॉइल वाला जो एरिया है, मतलब कि खेत फार्मिंग लैंड है, वो जाकर के एक दिन बैरन बन जाएगा, ठीक है, बंजर जमीन बन जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ जो फैक्टर्स का हम बात करते हैं, वो फैक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला मैंने बताया विंड, दूसरा आता है हमारा रेनफॉल, क्या आता है हमारा रेनफॉल, उसके साथ साथ आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक मेजर फैक्टर है आपका, जो कि सॉइल को अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ हमारा आता है लाइट, या आप जिसको सनलाइट लिख लो ऐसे, लाइट के जगह, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लिख सकते हैं, ह्यूमिडिटी, मतलब कि नमी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कि जिसको हम, आप पूछेगा कौन सा फैक्टर्स, तो आपको यहाँ पे बोलना है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल को अफेक्ट करते हैं। इससे आपको क्वेश्चन हम कल होमवर्क में ज़रूर देंगे, मतलब कि आज के वीडियो में होमवर्क जाएगा कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सॉइल, तो आपको ये आंसर करना है सारा, ठीक है। तो आपको देखिएगा, यही सब फैक्टर्स है ना, जो कि अफेक्ट करता है सॉइल को। आप अगर चाहो तो इसको और भी एलाबोरेट कर सकते हो कि सॉइल प्रोफाइल को कौन कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्ट करता है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल, इस तरीके से, नहीं तो व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल के बारे में आपको पता है, पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्स होते हैं उसमें, हॉरिजॉन ओ, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी करके हम लोग पढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे देखो, जब हम बात करें कि अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं अलग अलग सॉइल टाइप में, तो यहाँ पे वीट और जो ग्राम है वो क्लेई और लोमी सॉइल में होता है, पैडी जो होता है क्लेई सॉइल में होता है, पल्सेस जो होता है वो लोमी सॉइल में होता है,
देखो पल्सेस को ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला चाहिए ना मिट्टी, तो यहाँ पे लोमी सोइल का उपयोग किया होता है। कॉटन की बात करें तो सैंड लोम या लोम सोइल, इसको हम लोग ब्लैक सोइल भी बोलते हैं। ब्लैक सोइल में कॉटन आपका ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था आपका कुछ सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आज बेसिकली आपका चैप्टर एंड ही हो जाएगा, ठीक है, लास्ट सेशन है आज का। और हम लोग जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन आज दिए हैं ग्रुप में, कल दिया गया था कि आपकी जो एक टेस्ट, या टेस्ट नहीं बोली, टेस्ट का मतलब ही कुछ और हो जाता है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगी सारे क्लास की, 6, 7, 8, 9, 10, करीब 10 से 15 दिन के अंदर। ये जब सिलेबस कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग बीच में 1 वीक के लिए स्टॉप करेंगे। और जैसे स्कूल में आपका एग्ज़ाम होता है 1 वीक का, उसी तरीके से आपको एक रूटीन मिला जाएगा कि किस दिन कौन सा पेपर होगा। और सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। इस बार जो क्वेश्चंस अगर होंगे तो 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा 100 मार्क्स का, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोगों ने क्या सीखा और नहीं सीखा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका अगर वो टेस्ट होगा, ये टेस्ट में तो आप लोगों को कुछ बोला नहीं गया बेसिकली, कोई टीचर्स आपको डांटे भी नहीं अगर टेस्ट लिए हैं तो। बेसिकली आपका तो टेस्ट हम ही लिए थे साइंस में, तो कुछ बोले नहीं। लेकिन अगली बार जो टेस्ट होगी तो उसका टेस्ट का मार्क्स आपके गार्जियन को कॉल करके बताया जाएगा। और उसके बाद ये भी एनालिसिस लिया जाएगा कि आप लोग घर पे कर क्या रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बच्चे कितने देर घर पे पढ़ रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि आप अभी मोबियस में हो नहीं कि हम आपका हर दिन का देख रेख करें और थोड़ा सा आपको प्रसाद भी बरस बरस क्या बोलते हैं उसको दें, ठीक है। तो प्रसाद तो हम आप वहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश ज़रूर रहेगा मेरा कि जितना हो सके आप लोग अगर ना पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 6 और 7 का तो मतलब इतना ढिलाई हो गया है कि कुछ को होमवर्क देने से मतलब ही नहीं है। और कुछ लोग देते हैं तो क्या देते हैं पता ही नहीं चलता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अटेंटिव है, अपना होमवर्क हर दिन दे रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए बहुत बहुत खुशी होती है देख करके कि कम से कम वो अपने पढ़ाई को लेके एक्टिव है, ठीक है। तो बाकियों से भी अनुरोध है कि आप लोग इसी तरीके से लगन से अपना पढ़ाई करते रहें, नहीं तो फिर उसका कंसिक्वेंसेज या उसका रिजल्ट आपको पता है कि जिस दिन हम फॉर्म में अगर आ गए उस दिन मिल जाएगा। तो उस दिन अच्छे से स्वागत होगा आप सबका। अब आते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका हमारा सॉइल पोल्यूशन है। सब कुछ देख लिया हम लोग, सॉइल के बारे में पढ़ लिए, ये भी समझ लिए, सब कुछ समझ लिए। अब यहाँ पे बात आता है, हम ये भी जानते हैं कि भाई सॉइल है तो ये पॉल्यूट तो कहीं ना कहीं से हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से सॉइल में पॉल्यूशन हो रहा है। तो जब वर्ड आता है सॉइल पॉल्यूशन का ना, तो इसका मतलब होता है कंटामिनेशन ऑफ सॉइल। कंटामिनेशन मतलब कि सॉइल की अशुद्धियाँ, सॉइल में, सॉइल मिट्टी में जो अशुद्धियाँ हो रही है, इम्प्यूरिटीज हो रहे हैं, तो गंदगी आ रही है, तो ये किसके कारण आ रही है। तो अगर हम सबसे बड़ा मेजर फैक्टर माने तो हम ह्यूमन बींग्स ही अधिकतर फसाद की जड़ हैं, ठीक है। तो उसमें भी इसका भी इसमें भी हमारा बहुत अच्छा अच्छा योगदान है। आगे देखते हैं क्या क्या योगदान है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो, कंटामिनेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल मेकिंग सॉइल अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। आपसे पूछेगा व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन। तो आंसर करना है कि जब टॉप लेयर का यानी कि टॉप सॉइल का जब कंटामिनेशन होता है, सॉइल का टॉप सॉइल का कंटामिनेशन होगा यानी कि अशुद्धियाँ होंगी, जिसके वजह से वो सॉइल अनफिट हो जाएगा कि उस पर कल्टिवेशन या किसी तरह का खेती वगैरह सिंचाई ना हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको, देखो कंफ्यूज मत करना, वहां पे हम पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सॉइल प्रोफाइल और सॉइल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग या लीडिंग द सॉइल पॉल्यूशन, मतलब क्या किन कारणों से हम सॉइल पॉल्यूट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। फैक्टर्स लीडिंग, लीडिंग मतलब जो कि पहुंचा रहा है, हेल्प कर रहा है सॉइल को पॉल्यूट करने में, तो इसका मतलब ये है, ये समझना है यहाँ पे। तो देखो हमारे जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आपको पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बहुत सारा आप देख लोगे, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारा के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ ये भी है, देखो कि हम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स पॉल्यूट्स द सॉइल। एंड प्रोडक्ट्स मतलब जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो और जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसके कारण क्या हुआ, सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। तो ये जो चीज़ें जो क्या कर रही है, जो पॉल्यूट कर रहे हैं, उसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स आर द सबस्टांस, ठीक है, ये ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, दिस पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है सॉइल का, फर्टिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और क्या करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है,
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं सॉइल के अंदर उसको भी क्या कर देता है, वो हार्म करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है या बोल सकते हैं मार सकता है। अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सॉइल के ऊपर, तो वहाँ पे लाजमी जब केमिकल्स हम डाल रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो उस केमिकल से तो मरेंगे ही, ठीक है। या हम अगर क्या बोलते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन करने के जब कोई पेड़ को काट रहे हैं तो वहाँ पे तो हमारा जो पॉल्यूशन रेट है एटमोसफेयर का, जो ऑक्सीजन का रेट है, वो भी सब कम जा रहा है। ऊपर से हम जैसे सॉइल इरोजन के बारे में बताएं, तो ये सब सब मेजर फैक्टर है जो कि हमारा सॉइल पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन ना करें, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एफॉरेस्टेशन का मेथड अपनाएं। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, याद रखिएगा। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन सेम चीज़ है, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, ओनली डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। चलो सिर्फ याद आएगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, अर्थ डे है, बस ये याद रहेगा, करना कुछ नहीं है किसी को। अब देखो उस सारे पॉल्यूटेंट्स का नाम जिसके वजह से हम या जिसके कारण हमारा जो सॉइल है वो पॉल्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो पॉलीथीन बैग्स, जो हम लोग पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं, बिहार में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा क्रेज़ उत्पन्न हुआ था भाई कि पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करना है, और कुछ लोग यूज़ भी नहीं करते थे उस समय डर से कि फ़ाइन था, ये है वो है। लेकिन आज देखो वो थैला कम और पॉलीथीन बैग्स ही ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ के सिर्फ हम गवर्नमेंट को दोष ना दे करके हम अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप ही जहाँ पे अपने रूम में रह रहे हो वहाँ पे अगर कचरा फैलाओगे तो फिर क्या क्या कह सकते हैं। तो जिस लोकेशन में, जिस एरिया, जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हमारा कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम कैसे उसको नीट एंड क्लीन रख सकें। दूसरी बात, प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स, यानी कि हम आज देखिए प्लास्टिक आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो आजकल बन रहा है वो सारा प्लास्टिक का है। तो हम लोग जो बन के आ रहा है, अगर बन रहा है तभी ना जब हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका यूज़ को हम थोड़ा कम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उनका उसका जो प्रोडक्शन रेट होगा, बनने का जो रेट होगा, वो क्या होगा, डिक्रीजमेंट उसमें आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। केमिकल्स लाइक अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, जो फर्टिलाइजर्स हम लोग छिड़क रहे हैं, आपको पता है उसमें हार्मफुल केमिकल्स कंटेन करते हैं, और ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइजर्स अगर हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल का फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे उसके जगह पे मैनूअर्स हमें यूज़ करना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वो बनता है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फर्टिलाइजर्स का। पेस्टिसाइड्स जो कि कीड़े वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इस्तेमाल ना करो, इस्तेमाल करो लिमिटेड वे में। ज़्यादा इस कोई भी चीज़ आपको पता है, जब ज़्यादा हम लोग उपयोग कर लेते हैं तो क्या होता है, वो हानिकारक होता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, हम लोग क्या अपने तरफ से कदम उठा सकते हैं, ठीक है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या कदम उठा सकते हैं जिसके वजह से हम सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द उठता है कि ट्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट बिफोर डिस्पोजल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है, जैसे उसको डिस्पोज, उसको फेंकने से पहले उसको हम उसको ट्रीट कर लें, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ केमिकल्स कंटेन करते हों या कुछ ऐसा चीज़ हो जिसके वजह से वो सॉइल में अगर जाएगा तो सॉइल को पॉल्यूट करेगा। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, भाई ये तो लाइन से ही समझ में आ गया कि पॉलीथीन बैग्स का जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके उतना करें। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मैंने ये आपको पहले स्टेटमेंट में कह दिया कि प्लास्टिक की बनी हुई जितना भी चीज़ें हैं उनको जितना कम से कम हो सकता है हम लोग उपयोग करें, ताकि हम लोग अपने जो पृथ्वी है उसको स्वच्छ बना सके, और उसके साथ साथ हम अपने मिट्टी को भी क्या मतलब सॉइल को भी क्या बना सके, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड पॉलीथीन बैग्स आर बैंड टू अवॉइड, ठीक है, द सॉइल पॉल्यूशन, भाई ये कितना भी बैंड हो जाए, इस पॉइंट के बारे में एक स्टेटमेंट हम ज़रूर कहेंगे, कितना भी बैंड हो जाए चोरी छुपे अगर मन में रहेगा तो काम करेंगे ही। तो सबसे पहले अगर हम इसमें एक लाइन हम अपना देना चाहें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, बाई
क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस, ये मेरा अपना पॉइंट है, ठीक है। बाय क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस, पहले अपने अंदर अवेयरनेस जगाना है कि भाई प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो उससे सॉइल पोल्यूट होगा, तो हम लोग खुद उसको उपयोग नहीं करेंगे। उसके साथ एक चीज़ और हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का मेथड को अप्लाई करके, मेथड ऑफ रिफॉरेस्टेशन, कि जब हम लोग रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देंगे, मतलब कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, तो सॉइल क्या होगा, जो सॉइल इरोजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये सब सारा मेथड्स था जिसके ज़रिए हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन आज अच्छे से समझ में आया होगा। आराम से चीज़ों को हम धीरे धीरे लेकर गए और अच्छे से स्लोली समझाए हैं। अगर कुछ आपको दिक्कत हुआ है या कोई भी चीज़ आपको समझने में परेशानी है तो आप हमें मैसेज कीजिए, ग्रुप मतलब हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, उसमें मैसेज कीजिए। उसके साथ साथ आपका यूट्यूब पे भी आप कुछ अगर दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे भी कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो वहाँ पे लाइक बटन होता है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा कि वहाँ पे आपको उंगली से दबाना पड़ेगा, तो वहाँ पे उसको थोड़ा दबा दिया कीजिएगा, ठीक है, वीडियो देखते समय। और अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा शेयर किया कीजिए, वीडियो इतना ज़्यादा बन रहा है और और प्लस बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में, तो आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, प्लस अपने फ्रेंड सर्किल में भी थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए ताकि इससे मोबेस का सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो और उसके साथ साथ वीडियो का व्यूज़ भी बढ़े और लाइक्स भी बढ़े, ठीक है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी एज ए स्टूडेंट लीजिए, सारा कुछ टीचर ही नहीं ले सकते, थोड़ा बच्चे का भी योगदान होना चाहिए, है ना, सिर्फ टीचर्स कितना करेंगे भाई बताओ। चलो तो वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।